हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो न्यू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी? सी सब है कैसा है? और वो भी रात के समय व्लॉग शूट हो रहा। तो भाई हम जा रहे हैं कहाँ पर? पहली बता दो, टाइटल से वैसे ही समझ जाओ। तो हम जा रहे हैं जी कैची धाम नैनीताल। और तो चलते हैं, और हमारे साथ दो बंदे और जा रहे हैं। एक बंदा हमारा भाई गाँव के ही है भाई, और एक लड़का मेरठ का है उनका दोस्त। तो चलते हैं, मिलवाते हैं कौन कौन जा रहा है कौन कौन ना। वो जैकेट मैंने इसलिए डाल ली क्योंकि भाई वहाँ पर ठंड होगी तो पहन लेंगे, नहीं तो अपनी रख लेंगे क्योंकि अंदर पहन रखी टी शर्ट। तो चलते हैं, मिलते हैं और मिलवाते हैं तुम्हें। और मैं जा रहे हैं और यू शिवम में रुके रोड पे जी ना रुके, छपरावत जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम छपरावत, छपरावत पहुँच कर मिलेंगे। चलो गाइस छपरावत पहुँच चुके हैं हम। मेरे हमारे लक्की भाई ये आ गई अपनी बस और चलो। फुट पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार जा रहे हैं नैनीताल हम। हाँ बाबा के दरबार जा रहे हैं नैनीताल कैची धाम, तो तुम्हें भी दर्शन करवा देंगे। और ये हापुड़ के कुछ नजारे हैं, तो मिलते हैं श्री हंत पर पहुंच के। जय श्री राम जय बजरंग। तो गाइस फाइनली हापुड़ पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। अभी टिकट वगैरह ले लेना, उसके बाद मिलेंगे तुमसे। ले लो, मैं दिखा दूँ मैं नज़ारे। हमारे लक्की लक्की भाई लगे हैं लाइन में। टिकट का काम ही नहीं दे दिया, ले लो तुम ही, तुमने सही है। जल्दी मिलेगा मिला। तो भाई यहाँ हमें मिल रहा बिल्कुल सुनसान जगह, ना तो हमें यहाँ भीड़ मिल रही। और लक्की भाई हमारे यूँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भीड़ क्यों ना, क्योंकि भर्ती वर्ती देखने जाते रहे तो इन्हें तो पता है भीड़ रह फुल एकदम। पर आज कुछ भी ना, सुनसान है आज, आज बिल्कुल खाली है मामला। तो अपने तो हम तो व्लॉग ही कर सके हैं, और तो कुछ होगा ना। जब ट्रेन आएगी जब बैठ के चले जाएंगे और क्या करें। अभी तो यार जल्दी आ गए, बहुत जल्दी यहाँ मच्छरों में बैठेंगे आराम से। चलो हम ना बैठ रहे तो यहाँ अभी तो क्वालिफाई ना हुए, पीएलई में बैठूंगा ना। कोई बात ना, हमें तो सरकारी देखनी ना। ये है हापुड़ जैक्सन, जंक्शन बोलना है वैसे, जंग जैक्सन बोलता हूँ मैं तो, हापुड़ जैक्सन। ये सामने फूड कॉर्नर है, थोड़ा बहुत चाय वाय का, और आज पूरा खाली है। कुतिया डोल रही है, बस चलो जी बैठ जाओ, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ज्यादा कॉमेडी होगी ना। ट्रेन से पहले मिल सके हमारी कुछ ना पता। ट्रेन आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ विश्राम कर रहे हैं पंखे के नीचे। तो समझो हमारी फीलिंग्स को, मच्छर काट रहे हैं। और मैं तुम्हें शेयर करूंगा कि यहाँ से भाई कैसे जाना कैसे न जाना। यहाँ से जाना जूना तो कुछ भी है नहीं, पहले कैथाले से आना है, फुटट्टा पे छपरावत पे, जहाँ से भी बस मिले बस पकड़नी है। हापुड़ का लेना है टिकट, हापुड़ का टिकट लेने के बाद फिर कहाँ पहुँचना बताओ इन्हें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठ जाइयो। ट्रेन का नाम क्या कहना, रानीखेत एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम है रानीखेत एक्सप्रेस, तो कार्डगो लास्ट गो, लास्ट स्टेशन कार्डगोदाम है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम हल्द्वानी भी उतर सकते हो, वरना भाई हाँ पर फालतू पड़ेगा थोड़ा सा। हल्द्वानी तो 6 किलोमीटर फालतू है, हल्द्वानी हाँ हल्द्वानी से 6 किलोमीटर फालतू पड़ेगा। 30 किलोमीटर है कैची धाम आश्रम, हल्द्वानी से 36 किलोमीटर है और कार्डगोदाम से 30 किलोमीटर है। इन्हें शुद्ध हिंदी नहीं आती, अभी व्लॉगिंग सिखा रहा हूँ मैं, ईजी वे बताया मैंने एकदम। अब तो अभी हमारी भी कुछ ऐसी है, फर्स्ट क्लास ऐसी है। तो अभी इसमें जाएंगे, लाइक फॉलो करती हो तुम सारे भाई। ठीक है तो मिलते हैं। लक्की भाई का नया काम भाई चोल भाई, आवाज मार दे एक बार, देख रहे पीछे वाला देखो। इनका भाई सब यही काम है। देख यार मैं तो छोड़, यार बस बिगड़ी होगी कहाँ, कोई आया ही ना ले क्यों आँख ना आया कल देख के। गाइस देखो जेब कतरे आले छपरी है, गैंग जा रही है गैंग।
चिंटू गैंग। तो गाइस ट्रेन का टिकट मिल चुका 170 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, और नुके रे खुले रुपए दो भाई, खुले रुपए है ना तो कहाँ से दे मैं। अब जो है वे पकड़ा दिए, बाकी सब सही है। अब ट्रेन है ढूंढे हम इन 1 10 के सिक्के को, लक्की भाई 10 के सिक्के को और 20 के नोट को लेकर जा रहे हैं। चलो लेट्स गो। हाँ जी भाई सब बताओ। तो गाइस हम आए हैं इस कॉर्नर पर और सामने हमारे बड़ा पाव वाले। तो भाई साहब एक प्लेट बड़ा पाव, एक तो है चीज वाला, एक है बिना चीज वाला, बताइए कौन सा। विदाउट चीज चाहिए सर। या ये क्या चोरी कर रहे हो सर? वो तो खत्म हो चुका है, स्टॉक में नहीं है। तो चीज वाला लगा दीजिए। तो चीज वाला भी नहीं है, वो भी खत्म हो। एक काम करिए अपने घर को जाइए, तुम्हारे बच की ना दुकानदारी करनी। सर आप ये क्या कह रहे हो, ये बदतमीजी कर रहे हो सर। कोल्ड ड्रिंक है स्टिंग सर, वो भी खत्म हो चुकी है। खत्म खत्म मामला। अब हम अपने घर जा रहे हैं जी, ठीक है भाई साहब, मिलेंगे नमसू। ट्रेन आ चुकी है, लेट्स गो। चलो अब अपना डिब्बा देख ले मैम, उसके बाद मिलते हैं। पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन, अभी उतरते हैं। सामने का व्यू क्या भाई शानदार आ रहा है एकदम भाई, मेरे को तो ऐसी जगह पे सुकून आ गया, ऐसी जगह हो मेरा घर। गाइस थोड़ी एक रात जगने के बाद हम पहुंच चुके हैं नीम करौली बाबा। ये यहाँ के भाई सामने के नज़ारे हैं कुछ, और ये हम हैं, और ये हमारे लक्की भाई हैं जो कि अभी नींद में हैं, इनकी नींद खुली नहीं है। तो अभी चल रहे हैं नहाएंगे, अभी होटल वगैरह देख लें, उसके बाद दर्शन वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं क्या सीन होता है। अभी तो पहले होटल देख लें, अभी तुम नज़ारे ले लो थोड़े। अरे लक्की भाई हैं, और ये हमें रूम स्टे मिला है वहाँ टॉप पे, तुम्हें दिख भी ना रहा बोरा। तो करते हैं अब इसकी चढ़ाई, चलो और क्या करें, एडवेंचर तो चाहिए, लेट्स गो। अल्लो नज़ारे, और नहा धो के फिर सेकंड व्लॉग स्टार्ट करूँगा। अब इसमें बताऊँगा मैं रूम स्टे कैसा मिलेगा, क्या ना है, क्या सीन है। तो अभी भाई इतनी तगड़ी ट्रैकिंग है यहाँ की, चक्कर खा के गिर रही है वैसे ही। 20 मीटर ऊपर अभी और जाना है, यहाँ पर मीटर लगा रखे हैं इन्होंने। तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और भाई व्यू देखो एक बार, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, लेट्स गो। फाइनली गाइस यहाँ पर मिला है रूम स्टे, पहुंच गए हम डेस्टिनेशन पे, लो नज़ारे। चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अभी नीचे जाना और चलो। वाओ ये है पहाड़ों वाली लाइफ। और ये हमारे रूम का यहाँ से कुछ बाहर का व्यू ऐसा रहेगा गाइस, ये रहा हमारा रूम। बस भाई पहाड़ों में तो ऐसे ही रूम मिलेगा, और रूम से जैसे ही हम बाहर जाएंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, वाओ। ऐसा ही हुआ है घर, यहीं पैसे अपने बाहर लिख लो, कॉफी पियो भाई, यहाँ बैठ कर आराम से। वाह क्या नज़ारे। तो भाई ये रूम ज़्यादा 1000 रुपये का पड़ा है 12 घंटे के लिए, तो अपना सही है। अब ये यहाँ पर लाइट वगैरह का, और ये एक मिरर दे रखा है,
तो जब फ्रेश वगैरह हो गए नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने, फिर आकर सो जाएंगे। तो गाइस नहा लेते हैं और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इस व्लॉग को करते हैं एंड, और मंदिर का आएगा भाई सेकंड पार्ट, तो उसके लिए भाई रेडी रहना। तो जी करते हैं इस व्लॉग का एंड, नहा के मिलते हैं न्यू नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन बी सेफ, बाय बाय, जय श्री राम।